नमस्कार, मैं रोशनी, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। चांद पर इसरो ने खोज निकाला विक्रम लैंडर। ऑर्बिटर में लगे हाई रिजोल्यूशन कैमरे ने ली तस्वीरें। संपर्क साधने की कोशिश जारी। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील राम जेठमलानी का निधन। काफी समय से चल रहे थे बीमार। राष्ट्रीय गलियारों में शोक की लहर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। पीएम मोदी ने फूका चुनावी बिगुल। अनुच्छेद 370 को बनाया चुनावी मुद्दा। शिवपुरी के गांव में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ एक युवक को मुखबिर बनाना भारी पड़ गया। घटना श्रीपुर चौक की है, जहां शराब कारोबारियों ने अवैध धंधे से जुड़ी खबरें पुलिस तक पहुंचाने के चलते युवक को पकड़कर पीट डाला। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर करीब 10 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर सदर एसडीएम संजीव चौधरी ने मध्यस्थता की सफाई कर्मियों की हड़ताल को समाप्त करवाया। गौरतलब है कि सफाई कर्मी मानदेय भत्ता और चिकित्सा बीमा की मांगों के चलते हड़ताल पर थे, जिससे पूरे शहर की स्थिति बदतर हो गई थी और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बदायूं के मालवीय आवास गृह पर मृतक पूजा उपाध्याय को न्याय न मिलने और पुलिस की हठधर्मिता और डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर अपने छोटे बच्चों सहित पूरा परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। वहीं धरने पर बैठे मृतका के पति ने डॉक्टर पर दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने और झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया। धरने के दौरान मृतका के परिजनों का कहना है कि मामला दर्ज होने के बावजूद डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भरतपुर क्षेत्र के डिग स्थित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में परिवार निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक लक्ष्मण गौड़ ने परिवादियों के परिवाद सुनने के साथ ही निवारण के अधिकारियों को निर्देश दे दिए। आईजी के डिग पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में उन्हें पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए वार्ड कार्य को लेकर जरूरी आदेश भी दिए। असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद केंद्रीय कमेटी के द्वारा नलबाड़ी जिला समिति के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान कमेटी मेंबरों ने असम में अंतर्राज्यीय पारपत्र जारी करने की मांग करते हुए प्रतिवादी नारे लगाए।
अयोध्या के ऊर्जा राज्य मंत्री उमाशंकर सिंह पटेल ने अयोध्या में विभागीय बैठक का आयोजन करते हुए विद्युत दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली दरें महंगाई के अनुसार ही बढ़ाई गई हैं। रमाशंकर ने अयोध्या पहुंचकर राज जन्मभूमि में जाकर माथा टेका। अयोध्या के गुप्तार घाट इलाके में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक युवक नहाते वक्त सरयू नदी में डूब गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। बताया जा रहा है कि युवक लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र है, जिसे स्थानीय गोताखोरों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस द्वारा छात्र की तलाश कराई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।